ओडिशा में जमकर तांडव मचा रहा फानी। पुरी और उसके सटे कई शहरों में 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। वहीं भुवनेश्वर में फानी ने कहर बरपा दिया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन फानी तूफान से तबाह हो गया। छत, दीवारें, होर्डिंग्स वहां उड़ गए। जगह जगह मलबा बिखरा हुआ है। भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन के पास कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। रेलवे प्रशासन ने लोगों को स्टेशन में तूफान खत्म होने तक दूर रहने का कहा है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छत पूरी तरह से टूट गई। इसके अलावा सीढ़ियों के बगल में लगे शेड भी तबाह हो गए। कई जगह बसें और ट्रेन पलट भी गई है। हालांकि मौके पर बचाव दल मौजूद रहा है और किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। रेलवे प्रशासन मलबे को हटाने में लगा हुआ है। उधर भुवनेश्वर में आईएमएस स्ट्रक्चर में भारी नुकसान हुआ है। फानी तूफान की वजह से पानी की कई टाकियां उड़ गई, बिजली के खंभे गिर गए और ऐसी खबर आई है। उड़ीसा का हेल्थ सेक्टर का कहना है कि आईएएस में पेशेंट और छात्र सुरक्षित है। खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है। किसी भी कंडीशन में हम लोगों को मदद के लिए तैयार है। फानी तूफान ने सबसे ज्यादा कर उड़ीसा में बरपाया है। उड़ीसा में फानी तूफान से बहुत नुकसान हुआ है और यह मालमत्ता 10 लोगों की जान के साथ चुकानी पड़ रही है।